मेरी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही हो तो आज हमारा गोवा में आखिरी दिन है, और जैसा मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि जितने दिन हम यहाँ रहे एक भी दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज रात को हमारी वापसी, और देखिए पीछे गणगौर घटाएं आ गई हैं। जबरदस्त बारिश होने वाली है, एटलीस्ट वेगेटर से लेकर के सेंक्वेरियम बीच तक तो बहुत तेज बारिश हुई। आज है फ्राइडे नाइट, फ्राइडे नाइट का असर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, कितने लोग थे, क्या स्थिति थी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वीकेंड तो है और खच बागा बीच भरा हुआ है और बेहतरीन माहौल है। हर पब, हर क्लब, हर रेस्टोरेंट ठसा ठस भरे हुए हैं। जो ये लाइट्स आपको दिख रही है बीच पर, ये कुछ वेंडर्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें आपको सेल करते हैं 50 रुपीज से लेकर 250 रुपए तक। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बागा बीच के टीटोस लेन में फेमस नाइट क्लब टीटोस जाकर जमकर एंजॉय किया, इसलिए अगले दिन हमने टीटोस लेन में दूसरे क्लब्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ हर तरह के क्लब्स मौजूद हैं, जिनमें से कई क्लब्स में कवर चार्ज होता है और कुछ में नहीं। का मजा ले रहे हैं, कैसा आ रहा है मजा? क्या बात है, कहाँ से आप? केरल से। NH247 फॉलो कीजिए, मजा आ रहा है ना? देखिए टीटोस के सामने एक और है जो थोड़ा सा आपको बजट में मिल जाएगा, पब क्लब जो भी आप इसको कहना चाहें, वेलेंशियोस, अच्छा खासा ग्राउंड है, थोड़ा कम रेट में मिलेगा, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, जो भी आपको पे करना है वो आपको ड्रिंक्स और फूड का पे करना रहेगा, बाकी टीटोस वगैरह के चार्जेस अभी 2000 रुपये स्टैग एंट्री चल रही है, हर जगह की लगभग यही है, और उसमें आपको गिने चुने ड्रिंक्स मिलते हैं। आज आप भीड़ देखेंगे यहाँ पर तो 4 व्हीलर्स की 2 व्हीलर्स की खचा खच भीड़ है, क्योंकि फ्राइडे नाइट है, निकलने की जगह नहीं मिलेगी, रात के 3 से 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं कैलंगुट रोड पर जाकर के कुछ ट्राई करेंगे। देखिए मेरा बाइक खराब हो गया, आवाज़ कुछ आएगी नहीं, मैं खा रहा हूँ ऑरेंज कैंडी क्योंकि मेरी जी लग गई है, 100 रुपये की फुल्की खाई है मैंने, बहुत बड़ा दिल है मेरा। गोवा में सबसे खास बात यह है कि यहाँ कितनी भी रात हो जाए आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से बागा बीच के आसपास आपको देर रात तक कई वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स खुले मिल जाएंगे। तो टीटोस की एग्जिट लेन के सामने जस्ट सामने आप देखेंगे कि श्री लीला वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट है, हमने यहाँ पे खाना खाया, बहुत ही अच्छा खाना है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे
दूसरे रेस्टोरेंट से जहाँ पे हमने खाना खाया था, तो वेज थाली मुझे यहाँ पर बहुत बेटर लगी। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आएगा खाना खाने में। रात भर एंजॉय करते हुए समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, और अपने गेस्ट हाउस लौटते हुए हमें रात के 3:30 बज गए। दरअसल फ्राइडे और सैटरडे नाइट में क्लब्स रात के 3 से 4 बजे तक भी खुले रहते हैं। रात के बज रहे हैं 3:30, या आप कह सकते हैं कि अल सुबह हो रहे हैं 3:30, और हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। काफ़ी लेट हो गया है। कल की एक्टिविटीज़ करेंगे, कल के वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगले दिन की शुरुआत हमने बीच साइड मिलने वाले फ्रेश फ्रूट्स के साथ की। यहाँ 50 रुपीज में आप किसी भी प्रकार के फ्रूट का लुत्फ उठा सकते हैं। आज गोवा में हमारा 7वां और आखिरी दिन है, तो हम रुके हुए हैं नवरत्न ओडीपी फैमिली प्योर वेज रेस्टोरेंट में, जहाँ पे साउथ इंडियन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। टीटोज लेन में भी नवरत्न का ओडीपी है, तो आइए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। बता दें कि जैसे इंडियन कॉफ़ी हाउस अपने साउथ इंडियन फूड के लिए देश भर में फेमस है, उसी प्रकार नवरत्न ओडीपी भी एक साउथ इंडियन फूड चेन है। काफ़ी अच्छा टेस्ट था हमेशा की तरह। जैसे हमारे यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस फेमस है, वैसे ही यहाँ पर ओडीपी। तो आप भी गोवा आ रहे हैं और अगर प्योर वेज खाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने दोपहर को बीच साइड पर आराम फरमाने का फैसला किया। तो इन 5-6 दिनों में हम पहली बार दोपहर के वक्त बीच पर आए हैं, और बीच साइड जो शैक्स बने हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप में अगर ये शैक्स पर ये अम्ब्रेला ना हो तो हालत ही खराब हो जाए। यहाँ से बैठकर दूर से ही फिलहाल समंदर का मजा ले रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि पानी में जाने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है। अभी टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। लगभग 3 मौसमों में हमने गोवा विजिट कर लिया है। हम ठंड में भी यहाँ आ चुके हैं, और भारी बारिश जब शुरू होती है जुलाई के महीने में तब भी आ चुके हैं, और एक ये अगस्त वाला भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया जो थोड़ा सा अलग है। ये गर्मी जैसे ही, समझ लीजिए हम गर्मी में आ गए हूँ। कुछ देर यहाँ लहरों के बीच मस्ती करने के बाद हम फिर अपने रूम पैकिंग करने लौट गए, क्योंकि ये हमारा गोवा में आखिरी दिन था। तो सोचा क्यों ना पहले पैकिंग कर ली जाए और फिर आराम से बीच पर फोटोशूट करें। देखिए सैटरडे की शाम है, अभी हमने आपको दोपहर का माहौल दिखाया था बागा बीच पर, और अब शाम का दिखा रहे हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं, और देखिए ऐसा लग रहा है कि कुंभ का मेला लगा है। क्या भयंकर वाली भीड़ है, भयंकर। रात में क्या माहौल होगा मैं सोच के हैरान हूँ। और लाइफ गार्ड्स बार बार वार्निंग देते हुए लोगों को कि भाई साहब पानी से दूर हो जाइए, गहराई में मत जाइए, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि जितने दिन हम यहाँ रहे एक भी दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज रात को हमारी वापसी, और देखिए पीछे गणगौर घटाएं आ गई हैं। क्या करें, कैंसिल कर दे प्लान को, क्या करना है, कैंसिल कर दे वापसी का। 5-6 दिन रुक गए हम, बारिश नहीं हुई थी लेकिन आज मौसम बन गया, और जबरदस्त बारिश होने वाली है। एटलीस्ट वेगेटर से लेकर के सेंक्वेरियम बीच तक तो बहुत तेज बारिश होने वाली है।
कुछ ही देर बाद हम गोवा छोड़ देंगे और हम अपना डिनर करने बैठे हैं रात के 11 बजे शाइनिंग स्टार में, जो कि है बागा रोड पर, बागा बीच रोड पर। और आज जो हमने महसूस किया कि आज कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है हर जगह, हर रेस्टोरेंट में, हर बार में, रोड पर, बीच पर, हर जगह बहुत ज़्यादा रश है। बाकी शाइनिंग स्टार में मैंने पहले भी खाना खाया, बहुत अच्छा खाना है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो बागा बीच की तरफ जितना आप बढ़ते जाएंगे फूड उतना यहाँ पर महंगा होता जाएगा। शाइनिंग स्टार में आप खा सकते हैं वेज नॉन वेज लेकर वगैरह जो भी आपको चाहिए। इसके बाद हमारी ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है हमारी, मंगलदीप एक्सप्रेस करके हमारी एक ट्रेन है जो कि एर्नाकुलम से चलती है और हजरत निज़ामुद्दीन तक जाती है। तो इसके बीच में हम यहाँ पे थिविम से बैठेंगे, मडगांव के आगे एक स्टेशन आता है थिविम, थिविम से हम बैठेंगे और पहुँचेंगे भोपाल। और ये जर्नी कैसी रहेगी इसका एक अलग से ब्लॉग डालूंगा, ये एक वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप 1-2 पार्ट्स में इस वीडियो को देख सकेंगे। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल NH247 को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी हो गई है भोपाल से, और लगभग 6 दिन का हमारा स्टे हो गया यहाँ पर बागा में, गोवा में। तो इसको एक ही वीडियो में ला पाना फिर मुश्किल होगा, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे सारे वीडियोस देखिए, उसके लिए चैनल NH247 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं। अगर आपने हमसे बेहतर कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे जाने का वक्त आ गया है, लगभग 6 दिन हम यहाँ पर रुके थे बागा बीच पर। गोवा में हमारा ये तीसरा विजिट था और इस बार का सबसे बेहतरीन विजिट था। इस बार हम ज्यादा घूमने नहीं आए थे, लेकिन एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम गोवा करने आए थे, और ऐसे हमें एक शानदार प्रॉपर्टी मिली बागा फेंटेशिया जो कि बागा बीच पर स्थित है। और भाई ने बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, भाई का नाम मनोज भाई ने बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, बहुत ही अच्छे रेट्स पर हमें एक सी वी रूम लिया, और लगभग हम 6 दिन यहाँ पर रुके थे। बहुत ही अच्छा होटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, फूड बहुत टेस्टी है, मौसम ने भले ही साथ नहीं दिया हो हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन बारिश रुकी, और आज जब हम 6-7 दिन बाद जब गोवा से वापस जा रहे हैं तो बारिश फिर आ रही है। हमारी किस्मत में बारिश भले ही नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बागा फेंटेशिया का। तो मैं NH247 के तमाम दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि अगर गोवा आ रहे हैं और बीच के पास अगर कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पर आप बीच पहुंच जाए, तो बागा फेंटेशिया जरूर विजिट करें। मनोज भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।